أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين अपनी मदद के लिए पुकारो, चीखो, चिल्लाओ। क्यों? क्या हुआ? रोते क्यों नहीं हो? अब बाबा सुनने वाले नहीं हैं। चिल्लाओ ना। आज तक तुम्हें सिवाय बाबा की मोहब्बत के कुछ नहीं मिला था। हमारे बाप इसराइल की तमाम तवज्जो और मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए थी। मेरा गुनाह क्या है? मुझे क्यों सजा दे रहे हो? तो, देखो तो तुम हम पर बर्तरी के ख्वाहिश मान दो। तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हारे साथ ही कब्र में जाएगी। हम तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। हम सब इसराइल के बेटे हैं। तुम अकेले नहीं, सब इसराइल के बेटे हैं। वो बाप जिसकी आगोश तुम्हारी पनाहगाह थी, अब कहाँ है? बोलो कहाँ है? अब बुलबुल जबानी क्यों नहीं करते? अपने ख्वाब बयान करो ना। अपने ख्वाब के सितारों को मदद के लिए क्यों नहीं पुकारते हैं?
बांधने की क्या वजह है? मुझे क्या मालूम, अचानक ऐसा क्या हो गया है? ये क्या हो रहा है? मैंने ऐसी आंधी पहले कभी नहीं देखी। चलो उठो, अंदर चले। चलो अंदर चले, उठो। तुम्हारे खूबसूरत जूते टूट गए। तुम्हारे साफ कपड़े गंदे हो गए। यूसुफ, तुम्हारे बने हुए बाल खराब हो गए। अब भी हम पर हुक्मरानी करना चाहते हो? राहिल के बेटे, अच्छी तरह देख लो, अच्छी तरह देख लो। अपने आगे सजदे करने वालों को अच्छी तरह देख लो। अब कौन सजदे में गिरा हुआ है, तुम या हम? बाबा, यूसुफ कहाँ है? अपने भाइयों के साथ सहरा गया हुआ है। आपने उसे जाने क्यों दिया? मैंने कई बार अपने भाइयों को यूसुफ के खिलाफ साजिशें करते हुए देखा है, क्यों इजाजत दे दी? परेशान मत हो मेरी बच्ची, उसकी अपनी ख्वाहिश थी कि वो अपने भाइयों के साथ घूमने फिरने जाए। क्या आप उसे चाहते नहीं थे? क्यों नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे भाइयों ने बहुत इसरार किया और उनके इत्मीनान को बहाल करने के लिए मेरे पास इसके सिवा कोई चारा न था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अजीब बेचैनी है, मैंने अजीबोगरीब ख्वाब देखे हैं। यूसुफ एक तारीख जगह पर था और मुसलसल रो रहा था। मुझे अपने बेटों पर पूरा यकीन है, देखना वो यूसुफ को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। लेकिन मुझे यकीन नहीं। अब खाक पर कौन गिरा हुआ है, तुम या हम? अपने आगे उन सजदा करने वाले चांद सितारों को बुलाओ ना। लाउन, मुझे छोड़ दो, मैं इसकी इसको मरूंगा, मां राहिल के पास भेज दूंगा, छोड़ दो मुझे। हमारे दरमियान ये नहीं तय पाया था, हमने आपस में कुछ और तय किया था। वो तो सिर्फ तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए था, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, यूसुफ को मारने नहीं दूंगा। छोड़ो उसे लावी, इसे इसका काम तमाम करने दो। बेहतर है पहले मुझे मारो, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो जाकर बाबा को बता दूंगा। या यूसुफ को छोड़ दो, वरना इससे पहले तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। मैं कहता हूँ छोड़ दो यहूदा। मुझे रोक कर अच्छा नहीं किया, एक दिन पछताओगे तुम। मैं जानता हूं कि परवरदिगार कभी भी हमें माफ नहीं करेगा,
मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। लावी को माफ कर दो। खुदा की कसम मुझे मालूम न था ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करेंगे। पैगंबरों और पैगंबरजादों को चाहिए कि हमेशा मसाइब वाला में दुनिया के लिए आमादा रहे, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि पहली मुसीबत मुझ पर मेरे भाइयों की जानिब से नाजिल होगी। तुम्हारे चेहरे पर ये हंसी कैसी? कुछ देर पहले जब मुझे बाबा से लिया था, हर एक मुझे प्यार कर रहा था और चमकार रहा था। यहूदा ने मुझे सवारी पर बिठाया। मैंने सोचा जिसके ऐसे भाई हो उसे न किसी दुश्मन से डरना चाहिए और न किसी खतरे का खौफ। और अब मेरे पहले दुश्मन मेरे अपने ही भाई हैं। अफसोस जिसने खुदा के अलावा किसी और पर भरोसा किया। बोलो अब इसका क्या करना है? पता नहीं, बाबा के पास वापस चलते हैं। ये तो नहीं हो सकता। चाहे इसके लिए तुम दोनों को ही क्यों ना मारना पड़े, लेकिन वापस नहीं जाने दूंगा। कुछ और सोचो। क्या करूं, ये हम दोनों को ही मार डालेंगे। इस वक्त तो मुझे तुम्हारी जान बचाना है, आगे का खुदा मालिक है। ऐसा करते हैं, इसे किसी कारवां के सुपुर्द कर देते हैं ताकि वो इसे अपने साथ दूर ले जाएं। लेकिन हम खुद अपने हाथों से तो इसे कारवां के हवाले नहीं कर सकते ना, उन्हें हम पर शक नहीं हो जाएगा। क्यों ना इसे किसी ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ कारवां वालों के हाथ लग जाए, जैसे किसी दरख्त वगैरह के ऊपर। बेहतर होगा इसे किसी कुएं में छुपा दें ताकि जब कारवां वाले पानी निकालेंगे तो इसे पाकर खुद अपने साथ ले जाएंगे। खारे पानी का कुआं, यहाँ नजदीक ही में एक कुआं है जहाँ से हिजाज वालों का तिजारती काफला गुजरता है। अगर उसे वहाँ छोड़ दें तो काफले वालों के हत्थे चढ़ जाएगा। हाँ ये ठीक है, चलो दान नफ्ताली रेवड़ आगे बढ़ाओ। बाबा वो कब वापस लौटेंगे? परेशान मत हो, अभी गुरूब होने में काफी वक्त है। कुछ रोज पहले यहूदा यूसुफ को सजा देना चाहता था लेकिन लावी ने रोक दिया। क्यों? क्या यूसुफ ने कोई गलती की थी? नहीं बाबा, बस वो यहूदा को अपना ख्वाब नहीं बताना चाहता था। वो तो मैंने उसे बताने से मना किया था। नजदीक में तो कुआं था, तुम लोग कहां जा रहे हो? तो तुम चाहते हो कि वो लोग यूसुफ को कुएं से निकालें और उसे वापस बाबा के पास ले जाएं? कुआं जितना दूर होगा इसकी वापसी के इम्कान इतने ही कम होंगे। बस पहुंच गए, कुआं वहां है उस सड़क के पास। कुएं का पानी खारा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये तो अच्छा है, इसी वजह से तो कारवां वाले कभी इस कुएं के पास पड़ाव नहीं डालते। तुम चुप रहो, मैं जानबूझ के इस तरफ आया हूँ।
लेकिन ये तो यूसुफ को मारने के मुतरादिफ है। चलो तो बहुत गहरा है। कोई बात नहीं, जा अशीर, जाओ और जाकर रस्सी के सारे टुकड़े ले आओ। अगर उन्हें जोड़ा जाए तो लंबी हो जाएगी। यहूदा, इस कुएं का पानी बहुत खारा है, कोई भी कारवां इससे पानी नहीं लेता। भूले भटके आ जाए तो अलग बात है, मुझे यकीन है वो इस कुएं में प्यासा मर जाएगा। बकुमत, मुझे पता है, ऐसे ही यहाँ नहीं आया हूँ। हमें क्या, हमारी बला से चाहे जो भी हो, जिए या मरे। आओ, छोड़ दो इसे यहूदा, मैं खुद कर लूंगा। माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा गुनाह क्या है? आप लोग मुझ पर ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? मेरा गुनाह क्या है? आप लोग ये जुल्म मुझ पर क्यों कर रहे हैं? तुम्हारा कोई गुनाह नहीं, हमसे ही तुम्हारी बर्तरी और सरवरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। हम सब तुम्हारे उस मकाम से जो खुदा ने तुम्हें अता किया है हसद करते हैं। मुझे कुएं से डर लगता है, बहुत तारीख है। डरो मत मेरे भाई, खुदा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। चलो। यहूदा, मुझे कुएं से डर लगता है, मुझे कुएं से डर लगता है। अच्छा सुनो, तुम लोग यही चाहते हो ना कि मैं बाबा से दूर हो जाऊं, तो मैं वादा करता हूँ अगर मुझे छोड़ दो तो यहाँ से ऐसी जगह चला जाऊंगा कि बाबा को कभी ना मिल सकूं। तुमने कहा और मैंने मान लिया। ठहरो, मुझे डर लगता है। रुक जाओ। अब क्या हुआ? जब घर जाएंगे और बाबा यूसुफ के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? कह देंगे उसे भेड़िया खा गया। और क्या, बाबा खुद भी इसी वजह से परेशान थे कि उसे कहीं भेड़िया ना खा ले। बाबा को पता है कनान में भेड़िये बहुत ज्यादा हैं। मेरे ख्याल में कोई निशानी होना जरूरी है। निशानी? मसलन यूसुफ का खून भरा कुर्ता कैसा रहेगा? खुदा रहा, मुझे छोड़ो। चलो। नहीं, नहीं, मेरी मदद करो, मुझे डर लगता है। छोड़ दो मुझे, मेरी मदद करो, इल्तिजा करता हूँ, मेरी मदद करो। नहीं, मुझे लावी से बात करनी है। नीचे उतारो इसे। मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे, पूछने दो क्या कह रहा है। बेकार में वक्त जाया मत करो, चलो नीचे उतरो। तुम लोगों ने तो उसे कुएं में डाल ही देना है, तो चलने में देर या सवेर होने से क्या फर्क पड़ता है? देखने तो दो क्या कह रहा है। बोलो क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। सुनाई नहीं दिया क्या कहा? मुझे तुम्हारे अच्छे होने का यकीन है, हालांकि मेरे तमाम भाई मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सब से भी मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उन्हें मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुँचे। कहीं ऐसा ना हो कि जो सितम मुझ पर ढाए गए हैं बाबा उससे बाखबर हो जाए, कि उनकी बददुआ आप सब लोगों को नाबूद कर देगी। किसी और को भी मत बताना, कहीं वो बाबा को ना बता दे। ये वाकया खुदा से छुपा नहीं रहेगा, खुदा के गजब से आप लोग अमान नहीं पा सकेंगे। तौबा कर लें, तौबा कर लें, ताकि परवरदिगार बच्चे पर सितम ढाने की वजह से आप लोगों पर अजाब नाजिल ना कर दे। बाबा के बकौल
मैं खुदा के पैगंबरों में से एक होऊंगा, ये आप जानते हैं, फिर भी इस तरह मुझ पर सितम ढा रहे हैं। मुझे इस बात का डर है कि आप लोग बनी इसराइल और आपकी औलाद मेरे बाद आने वाले अंबिया से कहीं यही सुलूक ना करें। खुदा हमें माफ करे। लाना तो हम पर जो खुदा से बेखबर हैं। जो काम हम बनी इसराइल ने अपने भाई के साथ किया है वो तो दरिंदे भी अपने हमजिंसों के साथ नहीं करते। हमने काबिल की बरादर कुशी की शर्मनाक तारीख एक बार फिर दोहराई है। क्या हुआ, क्यों देर लगा रहे हो, चलो आओ। बचाओ बचाओ, रुक जाओ रुक जाओ, लावी मुझे डर लग रहा है। खुदाया मेरी मदद फरमा, मेरे खुदा मेरी मदद फरमा, लावी। मैं किसी को अपना मददगार नहीं पाता हूँ, लावी शमून बाबा मेरी मदद करो, लावी मुझे डर लग रहा है, लावी बाबा बाबा लावी लावी मेरी मदद करो। जाओ रस्सी लेकर आओ, मुझे डर लग रहा है, मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो, लावी मेरी मदद करो, मुझे डर लग रहा है। हुआ, हम भी तो यही चाहते थे। सिर्फ तुम ये चाहते थे, हमारे दरमियान ये तय नहीं पाया था। तुम शुरू ही से उसे मारना चाहते थे। तुम्हें इसका कसास देना होगा। तुम तो काबिल से भी बदतर निकले। काबिल ने तो अपने हमउमर भाई को मारा था, लेकिन तुमने तो एक कमसिन बच्चे को कत्ल कर दिया। खुदा की लानत हो तुम पर, लानत। अगर कोई लानत है तो हम सब पर है, हम सब बराबर के शरीक है। तुम भी इस काम में कसूरवार हो, लिहाजा मेरे सामने बेगुनाह शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। तुम यकीनन यूसुफ हो, तुम यकीनन यूसुफ हो। तुम यकीनन यूसुफ हो, तुम यकीनन यूसुफ हो। हाँ मैं यूसुफ हूं। मैं जानता था एक न एक दिन आपकी ज़ियारत जरूर करूंगा। आप कौन हैं? कई ज़मानों से मुंतजर एक शख्स। आप मुझे कैसे जानते हैं? गुज़श्ता अंबिया में से एक नबी ने मुझे जब आपकी वाकियात बताए तो मैं आपका फरिश्ता हो गया। तब से आपके दीदार का मुश्ताक था। उनसे आपका पता पूछा, कहने लगे एक रोज इसी कुएं में दुनिया के बादशाह का ज़हूर होगा। और आप मेरे इंतजार में यहाँ बैठ गए? 1200 सालों से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। 1200 साल? हाँ, एक नजात दहिंदा का मुंतजर,
जिन पैगंबर ने आपके आने की खबर दी, फरमाया जाओ दुनिया के इस कुएं में इंतजार करो, एक रोज यूसुफ आएंगे। और आज वो रोज मौत आ पहुंचा। मैं भी आपके दीदार से खुश हूँ। मैंने तमाम अंबिया का जमाना देखा, हर एक ने तुम्हारे लिए एक पैगाम छोड़ा है। हूद नबी ने कहा था कि ए यूसुफ, तुम दादरस हो, सितम सदों की दादरसी करना। सालेह नबी ने कहा, ए यूसुफ, तुम्हारी कुनियत मेरे हम नाम पे, बंदगान खुदा के हुकूक के लिए उठ खड़े हो। यूनुस नबी ने कहा, तुम गुज़श्ता तमाम अंबिया के वारिस हो, लिहाजा उन तमाम की आरज़ूओं को अमली जामा पहनाना जिस नबी ने आपके आने की खबर दी। उन्होंने आपके लिए एक निशानी भेजी है, मौत। मौत। मौत? मैं आपका शुक्रगुजार हूं, गिरा कदर निशानी है। मुझसे क्या चाहते हैं? आपसे मुलाकात का इश्तियाक था, सो आंखें आपके दीदार से मुनव्वर हो गईं। आप मजीद कोई आरज़ू नहीं रखता। आप मुझे कोई नसीहत कीजिए, कुछ ऐसा बताएं जो दुनिया के इस कुएं में मेरे किसी काम आ सके और जो तमाम मुश्किलात में मुश्किल कुशाई करे। कुल कायनात का रम्स तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें किसी नसीहत की क्या जरूरत? कौन सा रम्स? गौर करो, तुम्हारे हर हाथ में कितने जोड़ और कितनी उंगलियां हैं। पांच उंगलियां, 14 जोड़। बस यही वो राज है जो बताया, 5 और 14। 5 और 14 क्या मतलब? ये रम्ज आखिरी पैगंबर के जमाने में आश्कार होगा, और रम्ज़े वजूद कायनात भी यही दो अदद है। इनसे मुतवस्सिल हो जाओ, इससे सुकून और नजात पाओगे, इससे सुकून और नजात पाओगे। ए बुजुर्ग, ए मर्दे मुंतजिर, आप कहाँ हैं? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा था? कुल कायनात का रम्स तुम्हारे अपने हाथों में है। इस मोहर को छूने से मुझे इतना सुकून क्यों मिल रहा है? फान थम गया। अब कब तक यहाँ रुके रहोगे? चलना नहीं? ना, अब खड़े क्यों हो? चले। सुना नहीं? अब चल भी दो। हम तो परेशान हो गए थे, कहीं डूब ना गए हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे थे?
मुझे खुद नहीं पता कैसे बच गया। मुझे बाहर निकालो, मुझे डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। मजबूर हूँ, तुम्हारे संगदिल और बेरहम भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे, मजबूरी है, बर्दाश्त करो, खुदा पर तवक्कल करो। बहुत देर हो गई है, हमें जाना होगा, लेकिन मैं जल्द वापस आऊंगा और तुम्हारे लिए खाना और पानी लेकर आऊंगा। परेशान मत हो, खारे पानी से परेशान मत होना, हम तुम्हारे लिए मीठा पानी ले आएंगे। इसका मतलब है तुम लोग वाकई में उसे मारना चाहते थे और जानते थे कि इस कुएं का पानी खा रहा है और वो मर जाएगा। हाँ जानता था, लेकिन यहूदा ने नहीं बताने दिया। अब चल भी दो, रास्ता लंबा है। ये तो मीठा है। इसराइल के बेटे चले गए, मुझे भी मजबूरन जाना होगा। अभी मुझे डर लग रहा है। कल आऊंगा, बस आज रात गुजार लो। मुझे अकेला मत छोड़ो। आप क्यों रुक गए? मुझ में तो दिन के उजाले में बाबा का सामना करने की हिम्मत नहीं, अंधेरा छा जाने का इंतजार करना होगा। शायद अंधेरा हमारे किरदार के इस भयानक रूप को छुपा ले। अंधेरे में ना हमें बाबा का मातमजदा चेहरा दिखाई देगा और ना ही उन्हें अमरियाकारों के मसनूई गमजदा चेहरे दिखाई देंगे। ये कह रहे हो, बाबा का सामना करना मुश्किल है। इस कुर्ते को ऐसे तो अपने साथ नहीं ले जा सकते लावी, वो पूछेंगे नहीं कि अगर भेड़िये ने यूसुफ को खा लिया है तो इस पर खून के धब्बे क्यों नहीं। परेशानी की कोई बात नहीं, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। वो लोग हमेशा गुरुब आफ्ताब से पहले दिन की रोशनी में वापस लौट आते थे, आज देर कर दी। यकीनन यूसुफ के साथ खेलकूद में लगे हुए होंगे, इसलिए वक्त का एहसास नहीं हुआ होगा।
यहूदा, यूसुफ कहाँ है? कहाँ है यूसुफ? Oh.